कल एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे और उमेद सिंह को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया जाएगा। बापू साहब, आप फूली मासी से ब्याह करोगे ना? क्यों बचाया मैंने, मर जाने दिया होता ना। और इसका चरित्र पे दाग लगा तो कभी नहीं मिटता। मैं पुली के रूप में तुम दोनों के लिए एक माँ लाना चाहता था जो हमारी जिंदगी में खुशियां ला सके, लेकिन मैं अब ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। मैं तारा गुनेगार हूँ, तारे से ब्याह करने का वादा किया, वचन दिया कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, पर आज तुम्हारी वजह से ही इतनी जड़ी परेशान है, तकलीफ में है, तुमने बहुत बुरा लग रहा है। हाँ भूली, सही कह रही है तू, हम दोनों साथ मिलकर हर तूफान का सामना करेंगे। भगवान, आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, सरपंच साहब की इज्जत पे कोई दाग ना आए। आज के फैसला होगा मन्ने ना पता, बस आपसे इतनी विनती है कि जो भी कष्ट देना है हमारे को दे दो, हमारे बच्चों के दिल पे कोई घाव ना देना। खम्मा घनी सरपंच साहब, कुछ लोग आपने पूछ रहे हैं, पंचों ने भेजा है शायद। आप बच्चों ने फिक्र ना करो, मैं हूं यहाँ। तू घर जा पुली, भीम सिंह और परिवार के साथ पंचायत में मिलियो। लोड़ों का ख्याल रख। जी। समझ के पुली मासा, आपने नाश्ता रसोड़े में रख दिया, हम लोग खाकर आएंगे। हाँ पुली मासा, आपने बनाया है तो कैसे नहीं खाएंगे, हम जरूर खा के आएंगे। उस आफत की पुड़िया को ये पुड़िया ही रोक पाएगी पंचायत जाने से। रसाल को पसंद है कचूरी और शिवराज को पसंद है पूरी भाजी। अब अगर शिवराज को कुछ हुआ तो रसाल तो चिपकली की तरह उसके साथ चिपकी रहेगी। भाई साहब क्या हुआ भाई साहब, क्या बोलती रहेगी। इसलिए शिवराज का तबीयत खराब करना जरूरी है। ना तो मन्ने अपने बापू सा से ब्याह करने पर रोक पाएगी, ना थारी माँ बनने से। आज मारी चाल कामयाब होके रहेगी। सरपंच साहब, मन्ने भी साथ ले चलिए।
बड़े सरपंच साहब, आज के दिन हमारी बहन फूली का ब्याह सरपंच साहब से होने वाला था। हमारी आप सबसे एक ही विनती है कि आप जो भी फैसला ले, हमारी बहन फूली का ध्यान उसमें जरूर रखना। भीम सिंह, पंचा की सहानुभूति फूली के साथ है, पर फैसला सहानुभूति के आधार पर नहीं, फैसला उमेद सिंह के दिए बचाव जवाब के आधार पर तय होगा। आ जाओ, आप लोगों को कुछ खाने के लिए दे दूं। ना, मैंने ना खाना नाश्ता। क्यों? मारा मन ना है। लेकिन फूली के बोली है। ठीक से अब भाई साहब ने खिला दो, मन ने भी ना खाना। क्यों मन नहीं है? ऐसे खाली पेट ना जाते। भाई साहब, आप मन्ने लेकर चलो ना पंचायत तक। अगर बापू साहब को कुछ मुसीबत आ गई तो हमें ही तो साथ देना पड़ेगा ना, इसलिए मन्ने जल्दी पंचायत तक लेकर चलो ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। हा? एक काम करो, मैं थोड़ी सी पूरी सब्जी निकाल देती हूँ, तुम लोग खा के चले जाना। चप्पल सरक गई। चुनरी भी सरकाल है। के बोला? मैंने बोला चुनरी भी सरकाल है। हाय 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 हाय। ले छोरी, ले इन्हें भी बचा ले। चल ले हमारे साथ घर, हम भी तने घर में रख के खूब सेवा करेंगे थारी। तू रुक। क्या चल रहा है ये सब? तुम लोगों को लाज शर्म ना है? किसी के घर की बहू बेटी से इस तरह बात की जाती है? अरे ना ये बेटी रही ना बहू रही किसी के घर की, बेचारी ना हाथ जो ठहरी, इससे तो ऐसे बात कर ही सके हैं। तो छोरी चल ले हमारे साथ। अरे ना चलेगी, खींच के ले आ, यो भी कर लेंगे।